हेलो गाइस, टैलेंट हब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से दिलीप विश्वास बोल रहा हूँ। आज एक नया ट्रिक्स लाए हैं, एक मजेदार ट्रिक्स लाए हैं, तो एक बार ट्रिक्स को डिटेल्स में बोलने से पहले एक बार डेमो देख लेते हैं। डेमो में क्या चीज़ है, ठीक है ना? तो तीन सीट दिया हुआ है, साउथ में, नॉर्थ। साउथ में एक बार डेटा देख लेते हैं, डेटा में क्या चीज़ है। साउथ में प्लेयर आईडी है, क्रिकेटर नाम है, स्टेट है, डेट ऑफ बर्थ है, रोल है। साउथ जोन का जो क्रिकेट प्लेयर है उस सब का नाम पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अभी नॉर्थ में भी सेम है, नॉर्थ जोन का जो क्रिकेट प्लेयर है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। ईस्ट में भी जाते हैं, ईस्ट में भी सेम, पूरा ईस्ट जोन का जो क्रिकेटर का प्लेयर का नाम है उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अभी एक 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 डिटेल्स है। ईस्ट में 26 प्लेयर है, नॉर्थ में देख लेते हैं 24 है, साउथ में देख लेते हैं साउथ में कितना है, साउथ में 16 है। जो भी है ऐसे डिटेल्स दिया हुआ है। अभी अलग सीट में क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, अलग से सीट में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। मतलब मल्टीपल सीट है, मल्टीपल सीट से डेटा को कैसे डिस्प्ले कराते हैं, कैसे डेटा को सर्चिंग करेंगे। ओके, अभी डेटा सर्च कर कैसे करते हैं, डेटा सर्च करते हैं एक तो है हम लोग का वी लुकअप से करते हैं, और एक करते हैं मैच इंडेक्स फंक्शन से डेटा सर्च करते हैं। तो अभी हम सब यहाँ पर वी लुकअप से डेटा सर्च करेंगे, बट मल्टीपल सीट से कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए एक फंक्शन है, एक उस फंक्शन का किसका हेल्प लेना होगा, उस फंक्शन का नाम है इनडायरेक्ट फंक्शन। ऐसे भी हम सब इनडायरेक्ट फंक्शन का बारे में जानते ही है। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या है, इनडायरेक्ट फंक्शन डिपेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में ये हेल्प करता है। तो अभी हम सब वी लुकअप में भी इसका हेल्प लेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट फंक्शन का वी लुकअप में भी हेल्प लेंगे। ओके, और एक चीज सीखना है मुझे यहाँ पर, क्योंकि बार बार हम सब वी लुकअप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मल्टीपल डेटा को डिस्प्ले जब भी करना है तो एक बार में जैसे डिस्प्ले हो जाए उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ऐसे एरे वी लुकअप एरे फंक्शन यूज कर सकते हैं। और एक नया फंक्शन है वो भी थोड़ा देख लेना चाहिए। हम सब क्या करना है, जब ये मल्टीपल कलम को डिस्प्ले करना है उस टाइम हम सब एक अलग सा फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है कलम फंक्शन, ठीक है। कलम्स भी है, कलम से भी कर सकते हैं, तो कलम फंक्शन से थोड़ा सा देख लेते हैं। कलम फंक्शन ओपन किए हैं, अभी रेफरेंस बोल रहा है कलम फंक्शन क्या बोलता है। जैसे अभी मैं कौन सा कलम में हूँ, अभी जैसे ए बी सी डी मतलब चार नंबर कलम में हो, इसको ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करोगे ना यहाँ पर क्या दिखाएगा, चार नंबर कलम दिखा रहा है। ओके, ठीक है, तो कलम फंक्शन का काम ही है कलम को कितना नंबर में कलम हूँ वो बोल देता है। मेरा डेटा में क्रिकेटर नेम मेरा डेटा अच्छे से देखना है, तो क्रिकेटर नेम कितना नंबर कलम है, ये एक नंबर कलम, ये दो नंबर कलम, तो क्रिकेटर नेम क्या है, दो नंबर कलम में दिया हुआ है। सब डेटा में सेम ही है, दो नंबर कलम में क्रिकेटर नेम दिया हुआ है। तो मैं खुद हूँ चार नंबर कलम में, मुझे चाहिए दो नंबर कलम, तो क्या करना है, तो चार से माइनस दो कर दोगे ना तो दो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कलम फंक्शन के लिए यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम सब थोड़ा वी लुकअप सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा है ना, डेटा को हम सब क्या करना है, डिलीट कर देना है, इस डेटा को एकदम क्लियर ऑल कर देते हैं, क्लियर ऑल माने एकदम साफ सुथरा कर दिए, ठीक है ना, एकदम जैसा नया सीट होता है उसी सीट जैसा बना दिए बस। ओके, अभी सबसे पहला काम है टेबिल बनाना। ये डेटा से सिलेक्शन करके हम सब टेबिल बनाते हैं, देखो टेबिल ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा तीन टेबिल बना हुआ है। तो एक बार टेबिल बनाना, क्या टेबिल कैसे बनाते हैं एक बार देख ही लेते हैं, एकदम इजी चीज है। सबसे पहले टेबिल तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, एक बार टेबिल डिलीट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। जो हम सब टेबिल बनाते हैं ना, ये टेबिल कहाँ पर स्टोर होता है ये भी एक जानने का चीज है। तो स्टोर कहाँ पर होता है, फॉर्मूलास जो मेनू बार है, फॉर्मूला जो टैब है उसमें जाना है, नेम मैनेजर में जाना है। अभी यहाँ पर देखो सब टेबल यहाँ पर स्टोर है, तो तीन ही टेबल था, तीनों टेबल यहाँ पर स्टोर है, इसको क्या करना है फिलहाल डिलीट कर देना है, एकदम पूरा कंप्लीट डिलीट करके हम सब फिर से बनाएंगे। एक एक स्टेप पूरा डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, एकदम A to Z हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है टेबल बनाना, टेबल कैसे बनाते हैं, पूरा डेटा को सिलेक्शन करते हैं, नेम बॉक्स में जाना है, यह क्या नाम है, साउथ, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, बट साउथ लिखा है तो साउथ जोन है, तो हम सब क्या करते हैं साउथ लिख देते हैं, साउथ। एंटर प्रेस करेंगे, टेबल बन चुका है, तो फटाफट तीन टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस नहीं करके हम सब टेबल बना लेते हैं। डेटा सिलेक्शन करोगे और यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नाम लिख देना है,
NORTH नॉर्थ लिखने के बाद क्या करना है, एंटर प्रेस भी करना है। एंटर प्रेस करोगे तभी टेबल बनेगा। और एक टेबल बना लेते हैं, और एक टेबल हम सब फटाफट बना लेते हैं। डेटा सिलेक्शन, अभी यहां पर जाके क्या करना है, इसका नाम क्या था, इसका नाम है ईस्ट। तो टेबल बना लिए, सबसे पहला काम है टेबल बना लिया। एक बार देख लेना टेबल बना है कि नहीं, एक बार फटाफट करके देख लेना। हाँ टेबल बन गया, ये ईस्ट का है। जो भी टेबल सिलेक्शन करोगे ना वही डेटा सिलेक्शन होगा। तो ये इसका मतलब टेबल बन चुका है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया टेबल बनाना। अभी जो देखो VLOOKUP में हम सब क्या किए, यहाँ पर जो फील्ड है ना, यहाँ पर कितना फील्ड है, 1 2 3 4 5, 5 कलम दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या किया हूँ मैं, एक कलम थोड़ा ज्यादा किया हूँ, जोन जोन बना लिया, एक कलम मेरा ज्यादा किया हूँ, ठीक है। इसका काम थोड़ा बाद में बोलते हैं क्यों किया हूँ, क्योंकि इसी से थोड़ा काम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्या करना है, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन ये भी बहुत बार डिस्कस कर दिए हैं। डेटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट लेना है, अभी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सबसे पहले कौन सा टेबल था, साउथ लिख देना है, साउथ SOUTH साउथ कॉमा कर देना है। अभी टेबल का नाम ना एकदम सही से लिखना है, टेबल का नाम गलत लिखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो टेबल बनाए थे उसी नाम से यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। अभी जो टेबल बनाए थे साउथ नॉर्थ ईस्ट उसी नाम से ही बनाना है, अलग से नाम दोगे तो फिर काम में नहीं आएगा। तो मेरा क्या हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम सब बना लिए। अभी क्या करना है, अभी VLOOKUP लगाना है। तो लगाते हैं VLOOKUP, इजिकल टू VL कर दिए, टैप कर दिए, तो VLOOKUP आ चुका है। लुक पहले ही बोल रहा है लुकअप वैल्यू। आशा करते हैं आप सब VLOOKUP के बारे में आप सबका क्लियर है, इसलिए VLOOKUP में थोड़ा डिस्कस में इतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मल्टीपल शीट से VLOOKUP से डेटा को कैसे सर्च करते हैं वही आज दिखाने का टॉपिक है। तो लुकअप वैल्यू माना VLOOKUP में क्या बोलते हैं, लुकअप वैल्यू जो वैल्यू से सर्च करते हो मेरा लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू डेटा का लेफ्ट साइड में होना चाहिए, है ना। थोड़ा देख लेते लेफ्ट साइड में है कि नहीं, प्लेयर आईडी सब डेटा में लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ही है हमारा लुकअप वाला जो वैल्यू है, एकदम सही है। लुकअप वैल्यू का डेफिनेशन एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू जो वैल्यू से सर्च करेंगे वो मेरा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू का डेफिनेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेबल एरे जहां पर सबसे बड़ा समस्या है, बिग प्रॉब्लम टेबल एरे में, क्योंकि टेबल मेरा तीन टेबल है। अभी तीन टेबल लेंगे कैसे, तो कैसे लेंगे, अभी इनडायरेक्ट फंक्शन का हेल्प लेंगे। इनडायरेक्ट फंक्शन बहुत बड़ा काम करता है, इनडायरेक्ट फंक्शन लेके टैप दे दिए। अभी टेबल कहां पर है, टेबल यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए थे वो वाला सिलेक्शन कर लिए, ब्रैकेट बंद कॉमा बस टेबल एरे खत्म, ओके। कलम इंडेक्स नंबर, तो कलम इंडेक्स नंबर में थोड़े देर पहले सीखे थे कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ऐसे तो एरे फंक्शन लगा सकते हैं, बट हम सब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कलम फंक्शन लगाएंगे, कलम COLUMN कलम फंक्शन लगा दिए, कलम फंक्शन। अभी क्या बोले थे, मैं कितना नंबर कलम में हूँ, मैं 4 नंबर कलम में हूँ, ठीक है, -2 मुझे 2 नंबर कलम चाहिए, कारण क्या, क्रिकेटर का नेम कितना नंबर कलम में है डेटा में, 2 नंबर में है, इसलिए हम -2 कर दिए, तो 2 हो जाएगा, 4 से 2 -2 ही होगा, कॉमा फॉल्स या जीरो कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसमें और एक काम करना है, क्या करना है, जब भी कोई एक ही तो डेटा आएगा, अभी जब ड्रैग करोगे ना तब तो आंसर आएगा नहीं, कारण ये जो लुकअप वैल्यू जो है टेबल है चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, लुकअप वैल्यू को थोड़ा लॉक कर देना है। आप सबको पता ही होगा F4 फंक्शन से लॉक करते हैं, F4 फंक्शन एक बार प्रेस करोगे तो लॉक हो जाएगा, बस टेबल एरे लॉक, टेबल एरे लुकअप वैल्यू को लॉक कर दिए। अभी यहाँ पर थोड़ा एंटर करते हैं, जब भी एंटर करोगे तो आंसर आ चुका है, अभी इसको थोड़ा ड्रैग कर देना, अभी बोले थे ड्रैग करोगे तभी आंसर आएगा, ड्रैग कर दिए तो आंसर आ चुका है। अभी थोड़ा सा डेटा को एक तो बड़ा कर दो, अभी कैसे बड़ा करना है, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लिए, इसका काम ही है पैटर्न को कॉपी करना, तो डेटा बड़ा हो गया। अभी थोड़ा देखते हैं सर्चिंग हो रहा है कि नहीं, ईस्ट वाला रिकॉर्ड तो पहले 26 वाला जो है देख लेते हैं, 26 वाला सही से दिखा है कि नहीं, 26 में कौन है, 26 में अजय यादव झारखंड, एकदम सही दिखा है, अजय यादव झारखंड दिखाया। अभी 26 का बदले में अलग सा कुछ करते हैं, 20 करते हैं, 20 में देखो सानी गुप्ता झारखंड, ये भी सानी गुप्ता झारखंड से ही बिलोंग कर रहा है, तो 20 में देख लेते हैं सानी गुप्ता झारखंड, एकदम सही दिखा रहा है, मतलब ईस्ट वाला दिखा रहा है, ठीक है। अभी मुझे ईस्ट तो हो गया, अभी साउथ में जाते हैं, साउथ में दिखाएगा कि नहीं, देखो अभी साउथ में NNA कर दिया, कारण क्या है, ये साउथ का तो प्लेयर आईडी है नहीं, अभी साउथ का कोई सा भी प्लेयर आईडी देते हैं,
005 कर दिए। देखो अभी हनुमान बिहारी आंध्रा साउथ से दिखा रहा है, देख लेते 5 में। हाँ हनुमान बिहारी आंध्रा प्रदेश से है, एकदम सही से आंसर दे रहा है। ठीक है साउथ भी हो गया। अभी थोड़ा सा कहाँ पे जाना है, थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्थ में भी, जाके देख लेते हैं नॉर्थ में भी सही से दिखा रहा है कि नहीं। N 014 कर देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करके देखते हैं। तो 4 में कौन है, नितिन सैनी हरियाणा। तो देखते हैं नॉर्थ में जाके 14 वाला आंसर सही से दिया है कि नहीं। तो नितिन सैनी हरियाणा 31 एज, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, देख रहे हैं 31 नितिन सैनी। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, मल्टीपल सीट से हम सब डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी कैसे किया डिस्प्ले, किसका हेल्प लिए, इनडायरेक्ट फंक्शन, तो बहुत बड़ा काम करता है इनडायरेक्ट फंक्शन, है ना। तो F2 करके एक बार फंक्शन को मैं ओपन कर दिया हूँ, एक बार थोड़ा सा आप सब देख लीजिएगा कैसे मैं इनडायरेक्ट फंक्शन लगाया हूँ। इनडायरेक्ट फंक्शन से ही हम सब मल्टीपल सीट से डेटा को सर्चिंग कर सकते हैं। ओके तो यही हो गया मेरा, मल्टीपल डेटा से कैसे सर्च करते हैं वी लुकअप से, बट उसमें इनडायरेक्ट फंक्शन का हेल्प लिया है, अदरवाइज इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो आज का टॉपिक यही था, तो आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ओके गाइस बाय। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ पर मेरा टॉपिक को यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ।